बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। डियर फ्रेंड्स, इससे पहले जो वीडियो आपके साथ शेयर की गई थी उसमें आपको नेवी जो कि सिविलियन जो जॉब्स थी उसके मुताबिक बताया गया था कौन कौन सी वैकेंसीज हैं, आप उनकी क्वालिफिकेशन क्या है, अप्लाई करने का तरीका कार है क्या है, और उसके अलावा उसकी तारीख कब है, कब से कब आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। अब इस वीडियो में आप को अप्लाई करने का तरीका कार बताएंगे कि किस तरह आप ऑनलाइन अप्लाई अपनी एप्लीकेशन दे सकते हैं। ये आपके सामने लेटेस्ट एड्स है जिसमें एड सिविलियन बैच 2022 बी क्लिक हियर, और नीचे वाले में क्राइटेरिया आप देख सकते हैं कि इसके लिए क्राइटेरिया क्या है। इसके लिए आप रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं ऑनलाइन, इसके लिए तो आप रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक करेंगे। जब रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आना शुरू हो जाएगा। ये इस तरह का एक फॉर्म आपके सामने आना शुरू हो जाएगा। आपने क्या करना है कि पाकिस्तान नेवी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, इसके ऊपर आपने बैच के ऊपर क्लिक करेंगे। इस जो जो जिसके लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं आप उसके लिए क्लिक करके, ये सारे टेक्निकल जो सारी सिविलियन जॉब्स हैं वो यही हैं। आप इनके ऊपर असिस्टेंट नेवल हेडक्वार्टर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो इसके लिए ये देखें आपका क्राइटेरिया आ गया है। आप जेंडर मेल अप्लाई कर सकते हैं, सिंगल और मैरिड दोनों अप्लाई कर सकते हैं। उम्र आपकी 18 से 30 साल तक होनी चाहिए 1 सितंबर 2022 को। एजुकेशन जो क्वालिफिकेशन है आपकी ग्रेजुएशन होनी चाहिए। एडिशनल क्वालिफिकेशन जो सिक्स वीक बेसिक आईटी ट्रेनिंग कोर्स आपने करना है आपके ज्वाइनिंग के बाद। अब जब आप ज्वाइनिंग करेंगे उसके बाद आपको ये कोर्स करना लाजमी। ये क्राइटेरिया हो गया। इसके बाद आपने नेवल हेडक्वार्टर के लिए जो अप्लाई करना है इसके लिए सिविल कैंडिडेट्स हैं, अगर जो आर्मी से हैं या पहले से मुलाजम हैं तो फिर आपने सर्विंग कैंडिडेट्स के ऊपर क्लिक कर देना है। आगे आपकी क्वालिफिकेशन है, आपने अपनी क्वालिफिकेशन एंटर करनी है। जिस बैचलर डिग्री है तो बीए जो भी है आपके पास, बीए बीटेक इनमें से जो डिग्री है आपकी वो आपने एंटर कर देनी है। एंटर करने के बाद उसके मार्क्स वगैरह, टोटल मार्क्स वगैरह, तमाम डिटेल इसकी में एंटर कर देनी है, परसेंटेज वगैरह एंटर कर देनी है। इसके बाद आपने अपना सीएनएससी नंबर यहाँ पर एंटर कर देना है। जो भी आपका सीएनएससी नंबर होगा वो आपने इस पर एंटर कर देना है। उसके बाद आपने फादर का जो सीएनएससी नंबर होगा वो एंटर कर देना है। नेक्स्ट आप मेल फीमेल जो जेंडर हैं वो एंटर करेंगे, डेट ऑफ बर्थ एंटर करेंगे, हाइट अपनी एंटर करेंगे, सिंगल मैरिड हैं, विडो हैं, डिवोर्स हैं तो वो एंटर करेंगे। आपका जो रिलीजन है आपने वो करना है। उसके अलावा आप मस्जिद जो है सुन्नी शिया अहले हदीस या अदर जो भी हैं आपने वो इंटर कर देना है। उसके बाद आपका तहलक रूरल से है या अर्बन से है तो फिर आपने ये चीज़ वहाँ पे मेंशन कर देनी है। अगर देहात से हैं तो आप रूरल करेंगे, अगर से आप किसी शहर वगैरह से हैं तो आप अर्बन कर देंगे। आपका जो सूबा है आपने वो इंटर कर देना है, जो भी सूबा आपका बनता है आपने इंटर कर देना है। जहाँ भी आप रहते हैं वहाँ का आपने एड्रेस वगैरह भी करना है, जहाँ पोस्टल एड्रेस यहाँ पे आपकी डाक वगैरह जाती है, जो भी है आपकी रहाइश है वहाँ पे आपने इंटर कर देना है। मोबाइल नंबर इंटर कर देना है। उसके बाद अल्टरनेटिव जो टेलीफोन नंबर है मतबादल कोई है तो वो इंटर कर देना है। अपनी जीमेल भी इंटर कर दें। जीमेल इंटर करने के बाद आपने अपना जो सेंटर है होगा उसको इंटर कर देना है जिस सेंटर पर आप अप्लाई करना चाहते हैं। ये बाद में चेंज सेंटर वो इंटर करना है जो आप जिस स्टेटस दें ये बाद में चेंज नहीं होगा, इसलिए आपने ध्यान से आपने दिया गया जो सेंटर होगा वही जो आप जहाँ पे आप जाके आसानी के साथ अपना टेस्ट वगैरह दे सकते हैं वो इंटर कर देना है। वो इंटर करने के बाद जब सबमिट फॉर्म करेंगे तो आपका फॉर्म इंटर हो जाएगा। ये डिटेल तमाम इंटर करने के बाद आपका फॉर्म इंटर हो जाएगा। उसके बाद अपनी स्लिप रजिस्ट्रेशन स्लिप निकलवाने के लिए आपने बैग पे आना है तो यहाँ पे देखिए आप रजिस्ट्रेशन स्लिप लिखा हुआ है, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे और अपना सीएनएससी नंबर इंटर करेंगे तो आपकी रोल नंबर स्लिप सबमिट करवा के रोल नंबर स्लिप आपकी प्रिंट आउट के लिए तैयार हो जाएगी। उसके अलावा जब रिजल्ट आएगा तो यहाँ से आप अपना सीएनएससी नंबर इंटर करके अपना रिजल्ट भी देख सकते हैं। वीडियो देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।